हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, बहुत 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 प्यार से होंगे। तो आज फिर आज होम किचन आप सबके लिए लेकर आया है यूनिक पराठा। क्या सुना आपने? जी हाँ, यूनिक पराठा। पराठे तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे, मिक्स पराठे, और क्या, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, गाजर के पराठे। लेकिन आज आप लोग खाने जा रहे हैं यूनिक पराठा। तो देखिए, इसके लिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और जल्दी से बताते हैं कि हम मैंने क्या क्या चीज़ ली है। ये मैंने दो आलू लिया था, इसको बॉईल करके अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है मीडियम साइज़ का। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो आपको जितने लोग हैं, मैं तो सिर्फ दो लोग के लिए बना रही हूँ, चार लोग के लिए बना रही हूँ, सॉरी मम्मी पापा को तो भूल गई, तो मैं चार लोग के लिए बना रही हूँ। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। तो मैं चार लोग के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया है और हाथों से मिक्स कर लिया है, देख लीजिए। उसके बाद मैंने लगभग एक बड़ा चम्मच, मतलब छोटे बाउल ले लीजिए, आटा लिया है, नॉर्मल जो आटा रोटी जिससे बनती है, कोई भी आटा आप यूज़ करिए जिससे आपके घर में रोटियाँ बनती है। और उतनी ही इक्वल साइज़ में मैंने मैदा लिया है। एक चीज़ और सुन लीजिए, जितना आटा है उतना ये मैदा है, सेम इक्वल साइज़ है, इसकी बराबर है क्वांटिटी। लेकिन मैं साइज़ बोल दी हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत से लोग हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं तो वो मैदा स्किप करके आटा ही यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आटा, सिर्फ आटे में, ठीक है। तो मैंने दो फ्लेवर लिया है, एक आटा और एक मैदा। और देखिए, ये मैंने महीन महीन धनिए की पत्ती है और इसमें हरी मिर्च है, ये लगभग मैंने दो बड़े साइज़ की हरी मिर्च, और इसमें नॉर्मल मैंने धनिया, हरा धनिया ले लिया है। ये मैंने ठंडा बॉयल दूध है, इसको मैंने ठंडा करके मिल्क ले लिया है, लगभग ये कितना लिया है, आधा कप लिया है। अब वो जितना आपको गूंधना है आप उसके अकॉर्डिंग मिल्क लीजिएगा, मुझे जितना है मैंने अपने क्वांटिटी से लिया, आप अपने क्वांटिटी से लीजिएगा। और ये है जो बिल्कुल अलग है हमारे पराठे में, वो है हमारा चीज़। ये हमारा मोज़रेला चीज़ है, जो बच्चे पिज़्ज़ा जो हम लोग खाते हैं, जो घर में अक्सर ये घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ बर्गर, चीज़ सैंडविच। तो ये मैंने वही चीज़ ली है, इसको कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो महीन महीन काट भी सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ये मैंने नमक लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और ये काली मिर्च का पाउडर है, ये देखिए ले लिया है मैंने। और ये हमारा थोड़ा सा क्या है, आमचूर। आमचूर इसलिए है कि थोड़ा अलग फ्लेवर आएगा इसका। अब सारी चीज़ों को मैं वन बाई वन करके बताती हूँ। तो अब देखिए, अब मैं सब करके वन बाई वन करके इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये पहले मैंने आटा ले लिया है, फिर मैदा ले लिया है, और उसके बाद फिर ये धनिया की पत्ती, ये सारी चीज़ें। हाँ, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको बहुत तीखा खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं खाना तो इसलिए मैंने इसको स्किप करके हरी मिर्च लिया है। ये देखिए, काली मिर्च कम ही लेना है और मसाले कोई यूज़ नहीं करना है इसमें। ये बहुत यमी, बहुत यूनिक, जैसे नाम है ना, यूनिक, आपने सुना होगा ये यूनिक है, अक्सर लोग कहते हैं यूनिक चीज़ है। तो ये पराठा भी जब आप बनाएंगे ना तो लोग कहेंगे यूनिक है। ये आम का जो आमचूर पाउडर है, ये ले लीजिए। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो अगर आपके पास आम की अचार या आम की खटाई है तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं इसकी जगह। और अब इसको हल्के हल्के हाथों से दूध मतलब मिल्क के साथ गूंद लेंगे। देखिए, ये मिल्क के साथ मैं इसको गूंद रही हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन यूनिक है तो मैं हर चीज़ इसमें यूनिक यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग को मेरी रिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर पसंद आया है तो भी लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया यार, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो भी पसंद कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें दाल के पराठे चाहिए, तो आई एम सो सॉरी, मैं दाल के पराठे तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ये पराठा आपको डेडिकेट कर रही हूँ, आप ये चीज़ पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है, और इसको कम से कम आप 10-15 मिनट इसको आप रख देंगे ढक करके, उसके बाद आप इसमें स्टफिंग करेंगे, मिलते हैं इसको जब बनाएंगे तब। तो अब ये देखिए, अब मैं इसमें भरने जा रही हूँ, स्टफिंग करने जा रही हूँ। तो हम मैं थोड़ी कच्ची हूँ तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया है, वो इसमें हेल्प करूँगी, वो कह रही है बहुत अच्छे से करेंगे कि फटे ना। और अब देखिए, ये अब हम जो है ये चीज़ इसके अंदर हम अच्छे से इसमें फिल करेंगे,
बन रहा उसका। तो ये देखिए ये अम्मी जो इसको अब है अच्छे से इसको देखिए गोल 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 बना रही है। एक्चुअली बीच में अम्मी आई तो पीछे पीछे पापा भी आ गए थे कि क्या बन रहा है। तो प्लीज़ आप आवाज़ को बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा, बहुत वैसे भी शोर होता है ऑलरेडी हमारे वहाँ ट्रैफिक की आवाज़, बच्चे की आवाज़। तो कभी पापा आ जाते हैं, कभी भाभी आ जाती है। तो देखिए अब अम्मी इसको अपने हाथों से अच्छे से कर रही हैं, शेप देने की कोशिश कर रही है। और बहुत इसको स्लोली स्लोली इसको बेलना है। अब वो हमारा बच्चा वो पहले से ही रेडी है बिल्कुल कि अरे आज तो चीज़ पराठा बनने जा रहा है। अब इसको देखिए अम्मी इसको अच्छे से बेल देंगी। इसको बहुत हड़बड़ में नहीं बेलना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से बोलना है। होम किचन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है। मैंने पहले ये पराठा उसको डेडिकेट किया है जिसने मुझे मैसेज किया था कि दाल के पराठे में बनाओ, अब मैं इसको बनाऊँगी। तो अब देखिए ये पराठे में बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से बना रही हूँ ताकि अंदर से चीज़ अच्छे से पक जाए। और आप चाहे इसको ये ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो थोड़ा यूनिक पराठा उन्हें भी आप खिला दीजिए। तो देखिए अम्मी का हाथ दरअसल साफ नहीं है, आटा वही गूंदी थी तो वो आ गई बनाने के लिए हेल्प करने के लिए। तो आप इसको भी स्किप कर दीजिएगा और इसको आप सॉस के साथ, अचार के साथ, दही की चटनी के साथ आप इसको बिल्कुल खाइए, सर्व कीजिए। बहुत ही बहुत लजीज पराठा है ये हमारा यूनिक पराठा। तो देखिए ये पराठा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, अगर इसको आप और भी यूनिक बनाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च की जगह एक तो आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं चटपटे के लिए, और उससे भी अच्छा चाहते हैं तो आप दो चार खड़ी लाल मिर्च को तवे पे भून करके उसको ऐसे हाथ से क्रश करके आटे में डाल के बनाइए तो अलग ही लुक इसका बहुत अच्छा आएगा। तो अब ये देखिए रेडी हो गया है हमारा यूनिक पराठा। इसको प्यार से सर्व कीजिए, प्यार से खाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। खुश रहिए, दुआओं में याद करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।